आपको वो कई बार निराशा के बीच से निकालने की कोशिश करते हैं, देखने के लिए कि अब आप क्या सोचते हैं, क्या अभी भी आप उससे प्रेम करते हैं। आपके मुंह से यही निकलता है, वही प्रेज गॉड, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। चाहे कुछ भी हो गया, हम फिर भी उसकी आराधना करते हैं, फिर भी परमेश्वर को ऊंचा करते हैं, फिर भी उसके नाम की हम आराधना करेंगे, फिर भी हम भवन में जाएंगे, फिर भी हम बाइबल पढ़ेंगे, फिर भी आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ, ये मेरे लिए रेमा वर्ड था। आमीन। वो यिर्मयाह को बोला परमेश्वर ने कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अब नहीं समझता। लेकिन वो वचन टोटका नहीं है हर विश्वासी के लिए। वो परमेश्वर बताता कि मैं जो भी देता हूं एक रिलेशनशिप के साथ देता हूं, एक संबंध के साथ देता हूं, और वो संबंध ही शैतान तोड़ते है। उसे आपकी बीमारी से मतलब नहीं, आपकी गरीबी से मतलब नहीं, आपके स्ट्रगल से मतलब नहीं, वीजा नहीं आया उसे कोई मतलब नहीं। उसे यही मतलब है कि इन चीजों से मैं इंसान का जो नेचर है उसे परमेश्वर के खिलाफ करूं और उसका नाता रिलेशन तोड़ूं, उसके बाद जहां मर्जी वो जाए फिर कोई फायदा नहीं। वो उसे पता है, उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। डरो मत। हालेलुया। आज वही वीरवार है जिस वीरवार को यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ खाना खाया था और जिस रात वो पकड़वाए गए थे और प्रेयर की थी। आज मोस्ट ग्रेसफुल नाइट है। आओ आपका आमीन छोटे हैं। हालेलुया। गुड न्यूज देता हूं आपको, सबको पता ही है शायद। फोटो दिखाऊं, ये मेरा बेटा है, आज हुआ है। आओ आपका आपके तालियां छोटी हैं। जूम करो, सुनो, जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी वो वीरवार का दिन था। सुनो ध्यान से, जिस दिन मैंने सिर्फ सगाई से एक दिन पहले मैं अपनी वाइफ से मिला था, सिर्फ एक दिन पहले, वो भी वीरवार था। मेरी मैरिज भी वीरवार थी और ये बेटा भी वीरवार है। ओ आपका आमीन छोटे हैं। जिस वीरवार को यीशु मसीह ने कहा था कि आज सुनो, ये डिजाइन परमेश्वर ने किए हैं, आप इसे रोक नहीं सकते। आमीन। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ, ये मेरा रेम है। हो सकता है ये आपका भी रेमा वर्ड हो सकता है ना हो, लेकिन आप अपना रेमा ले सकते हैं परमेश्वर से। मुझे आज भी याद है जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, तब से लेके मैं और मेरी वाइफ हमने कोई मीटिंग मिस नहीं की, कोई मीटिंग। फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9 मंथ के एंड तक हम मीटिंग अटेंड करते रहे। मैं नहीं कहता कि आप ये करो अगर आपका डॉक्टर आपको रेस्ट करने के लिए बोलते तो। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ, वो आज भी अपने लोगों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ, और इस मेहनत को फल लगने के लिए आपको अड़े और खड़े रहना पड़ते हैं। आपको कोई भी निराशा, कोई भी शैतान की कोई भी चाल आपके सामने आए, आपको फिर भी उस फेथ में रहना पड़ता है जहां शैतान सवाल उठाए, क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या अगर परमेश्वर था तो ये कैसे, वो कैसे। लेकिन आप अगर फेथ में, अगर हम फिर आप इस वचन का अंगीकार कर सकते हैं कि मैंने हियाव बांधा और मैं दृढ़ रहा हूं और मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।
इसका नाम है यर्मिया यूसुफ नरुला। यर्मिया इसलिए कि आज से 3 साल पहले जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के घर में था और उन्होंने मेरी कुछ ड्यूटी लगाई थी वहां पे, और उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए मुझे इंडिया से जाना पड़ा था, बहुत फ्लाइट्स चेंज करके, वो वहां पे नहीं थे। और जब उन्होंने मुझे अपने घर में रूम दिया रहने के लिए तो वो उन्हीं का बेडरूम था, और जब मैं उस बेड पे एकदम से जब मैं प्रेयर करके नींद में उठा तो उस समय परमेश्वर ने मुझे ये यर्मिया नाम दिया था, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग्स आपके फादर के साथ जोड़ के रखते हैं, और मूर्ख लोग इसे समझ नहीं पाते और समझदार बुद्धिमान कैप्चर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो, लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो। आमीन। हमारे बीच में होगा बहुत जल्दी यर्मिया। सब कुछ हेल्दी है, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तारीफ करो परमेश्वर की, कर दो स्क्रीन, जोर से बोलो डॉक्टर जीसस। आमीन। कितने समझ रहे हैं, आपको अपना रेमा लेने की जरूरत है। हालेलुया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी मेहनत से नहीं पाते, आपको इसीलिए आप एक स्पिरिचुअल फादर की जरूरत पड़ती है, एक दो नहीं। और इसीलिए इसीलिए शाऊल नबी नहीं था, पर नबियों के साथ रहने के कारण वो नबुवत करने लगा। योनातन बुरा नहीं था, पर शाऊल के साथ रहने के कारण वो मारा गया, क्योंकि संगति जो है वो असर डालती है। जब यूहन्ना और पतरस और यूहन्ना लंगड़ा चलाया था तो लोग बोलते थे ये वही अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, वही मछुआरा जो हमारे बीच में मछलियां बेचता था। अब क्या हुआ, ये लंगड़ा चलाना शुरू कर गया? उन्होंने कहा नहीं, ये यीशु मसीह के साथ रहे, एसोसिएशन संगति। ओ आपका आमीन छोटा है, घसा हुआ है। हालेलुया। आज से खुद बैठो परमेश्वर की हुजूरी में, अपना रिश्ता कायम करो, उसके बीच से निकलेंगी चीजें जिसके लिए आपको पैदा किया गया धरती पे। आप धरती पे बोझ नहीं हो, आप एक सुपर नेचुरल काम करने के लिए पैदा हुए हो। ओ आमीन छोटे, आमीन छोटे। हालेलुया। आप चाहे 80 के हो तो मूसा जब 80 का था तो उसने स्टार्टिंग की थी, आप छोटे हो तो यूसुफ 17 का था जब उसने स्टार्ट कर दिया था। तो छोटा या बड़ा कोई मायने नहीं करता, कभी कुछ लेट नहीं है। अगर परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हो तो वो तैयार है आपको वो बातें बताने के लिए जिसके पीछे आपकी वो लाइफ छुपी है जो आपको ऊंचा करेगी। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया वो आपको ऊंचा करेगा। आपका आमीन, आपका आमीन का है चर्च, आपका आमीन का है। ये ब्लेसिंग आपको फॉलो करने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। जो चर्च के बाहर जो प्लॉट्स हैं जिनको हमने चर्च में मिलाना था ताकि हम एक बड़ा फ्रंट बना सकें, वो मिल चुके हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है। दादा गुड न्यूज हो रहे हैं, ओवर। आमीन। उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए पौलुस ने कहा था मैं डरता हूं कि जो मेहनत तुमने की वो व्यर्थ ना जाए। कैसे? अगर हम अपनी लाइन छोड़ देंगे, वो फेथ छोड़ देंगे जो शैतान हिलाने की कोशिश कर रहे, तो मेहनत व्यर्थ जाएगी। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी फीलिंग से नहीं, आत्मा से चली जाती है। आज फील हो रहा है प्रार्थना करनी, आज फील हो रहा है चर्च जाने, ये फील छोड़ दो। जाने तो जाने, फील हो ना हो, प्रेयर करनी है तो करनी, महसूस हो ना हो। जब आप महसूस करने के चक्कर में पड़ जाते हो आप शैतान के चक्कर में चले जाते हो। यह महसूस वाला काम शैतानी है। आज महसूस हो रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं, यह महसूस होना बंद कर दो, वो सदा आपके साथ है। कई बार शैतान ये फीलिंग्स को आपकी लाइफ में भेज दें, यह महसूस हो रहा है, महसूस हो रहे। आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे,
फील हो ना हो, प्रेयर में बैठना है तो बैठने, फील हो ना हो, बाइबल पढ़नी है तो पढ़नी, चर्च जाना है तो जाना है, दैट्स इट। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी दया को मैं मांगता हूं आज, वही दया जो आप पे हुई थी और आपने पिता को प्रसन्न किया, मैं भी आपको प्रसन्न कर सकूं, मुझ पे दया कीजिए आज। मांगो दया अपने हाथों को उठा के सब जन, ऊंची 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 आवाज में।